नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ग्राम सभा चुनाव में अजीबोगरीब मामला देखने को आया है। महिला सीट होने पर नेताओं ने घर की महिलाओं एवं रिश्तेदारों को चुनाव में खड़ा तो कर दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जरा उसका फुल फॉर्म भी जान ले, कहीं कोई धोखे से पूछ ना बैठे। ऐसे ही अजीबोगरीब मामला बिजनौर ब्लॉक के अंतर्गत देखने को मिला है, जहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान पद हेतु आए प्रत्याशी अपना चुनाव निशान व नामांकन वापस करने आए लोगों की भीड़ से बिजनौर ब्लॉक भरा रहा और इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रहा। वही बीडीसी पद से महिला प्रत्याशियों ने बीडीसी पद के लिए ताल तो ठोका, लेकिन बीडीसी का फुल फॉर्म भी नहीं बता सकी। वही मर्दनपुर से महिला कमलेश यादव को निर्विरोध बीडीसी पद का प्रत्याशी चुन लिया गया। हालांकि बीडीसी का फुल फॉर्म या बीडीसी के बारे में कुछ बता ना सकी महिला कमलेश यादव। वही 40 वर्षों से प्रधानी घर में ही रही बेपोरिकाओं के प्रधान मुन्ना यादव दोबारा मैदान में ताल ठोकते नजर आए और चुनाव चिन्ह इमली पाकर खुशी से प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं बिजनौर से ब्लॉक प्रमुख शशि यादव के पति रमेश यादव, जो कि लगातार दो बार पति पत्नी एक एक बार रह चुके बिजनौर ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने साफ कहा कि बसपा में था और रहूंगा, सपा में जाने का कोई विचार नहीं, सपा में जाने की सिर्फ हवा है। मैं शुरू से बसपा में था और हूं और बसपा के लिए समर्पित रहूंगा, विकास ही हमारा सदैव मुद्दा रहेगा। तो देखिए, यहाँ महिलाओं की लाइन लगी हुई है, अभी इनको कुछ ही देर में इनका चिन्ह मिल जाएगा और ये लोग भी प्रत्याशी हो जाएंगे। आइए हम बात करते हैं। माता जी, किस चीज़ का देखिए, ये एक ऐसी पहली महिला अभी तक मिली जिन्होंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, अभी वहाँ किस चीज़ लड़ रही चुनाव क्षेत्र पंचायत के लिए? जी जी, किस चीज़ चुनाव लड़ रही आप? अच्छा, बी डी सी को क्या इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलते हैं जी? किस लिए चुनाव लड़ रही हैं? अच्छा, इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्षेत्र पंचायत जी। देखिए, अभी कुछ ही लोगों को ये क्लियर है कि इसको क्या बोलते हैं, तो मर्दनपुर से पर्चा सारे वापस हो गया और निर्विरोध चुनी गई। आइए हम इनसे मिलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी कमलेश जी, बीडीसी को क्या बोलते हैं, क्या फुलफॉर्म कुछ मालूम है आपको? आप निर्विरोध चुनी गई, आपको कुछ तो मालूम होगा। तो ये देखिए, निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य बन गई हैं और जो है कहाँ से बनी, किस क्षेत्र से? हाँ, मर्दनपुर से बन गई। हालांकि इनको ये नहीं पता है क्या इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन फिर भी इनको निर्विरोध बना लिया गया है, चुन लिया गया है। अब आप निर्विरोध चुनी गई हैं, इस इतने कंपटीशन में भी आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करेंगे? नहीं, समस्याएं तो बहुत है गाँवों में, नाली की समस्या, लाइट की समस्या। अच्छा, परिवार से क्या सहयोग रहेगा आपका? आप किसके साथ आए अभी? नहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो रही है। आप किस तरह शुभकामना देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को और अपने क्षेत्र को कैसे चमकाना चाहते हैं? मैं क्षेत्र में ये कहना चाहता हूँ, जितना भी विकास की योजना आएगी मैं गांव तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और जितना कार्य हो सकता है मैं गांव के लिए करूँगा। नाली है, सड़क अलग की योजना है और इस समय डेम का हिसाब को चल रहा है, तो ये दवा वगैरह मिलेगा। मैं तो पिपौरी के ग्राम प्रधान है मुन्ना सिंह जी, आइए इनसे बात करते हैं। इनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया जी, क्या चुनाव चिन्ह मिला है प्रधान जी? इमली तो बड़ी खट्टी होती है। अच्छा, कैसे उतरेंगे, क्या रहेगा, क्या आपका वो सिस्टम रहेगा? आपके क्षेत्र से कितने लोग खड़े हैं? 8। आपको नहीं लगता आठ लोगों में कंपटीशन बहुत भारी हो गया? किस तरह से उनको फेस करेंगे आप? मैं तो कोई प्रत्याशी टक्कर है, नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ, जनता के ऊपर है। अच्छा अच्छा, खैर इमली से भरोसा है। जी जी जी, जनता का। अच्छा, प्रधान कितनी बार रहे हैं आप? अब हम तो कम रहे हैं, माता जी, पिताजी, भाभी, हम 40 साल से प्रधान पिपौरी से। देखिए, पिपौरी से एक परिवार में करीब 40 साल प्रधानी, यानी परिवार में ही प्रधानी रही है और इमली चुनाव चिन्ह मिल गया है।